वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का नंबर है 370। इस नंबर का रिश्ता जम्मू कश्मीर से खत्म अनुच्छेद 370 से नहीं है बल्कि 2024 में बीजेपी की लोकसभा सीटों के टारगेट से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार बीजेपी के लिए 370 सीटों का लक्ष्य तय किया है। इस बीच बीजेपी ने संकल्प से सिद्धि की यात्रा में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA भी लागू कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या CAA बीजेपी की 370 सीटों के लक्ष्य को पूरा करने का एक जरिया बनेगा? CAA से वोट के फायदे और नुकसान का अंक गणित क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमने कहा था हम CAA लाएंगे। बार बार भावबेन एक बार नय हजार बार अमरा मानछी ना अमरा मानबो ना। हमने जो संकल्प लिया तो उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम किया। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के समर्थन में कहीं जश्न का नजारा है तो कहीं विरोध का मंजर। दिल्ली और जम्मू में CAA के लाभार्थियों ने मोदी सरकार के फैसले के समर्थन में जश्न मनाए तो गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में CAA लागू होने के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। इस कानून से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए किन शरणार्थियों को नागरिकता की गारंटी मिलेगी और किसे वोट, इसका पूरा अंक गणित आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले CAA लागू होने पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, उसे सुनिए। अभी हमने कहा था कि हम CAA लाएंगे, जो हमारे बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन भाई बहन आए हैं उनको नागरिकता देंगे। ये लोग विरोध करते हैं, मगर कल ही मोदी सरकार ने CAA का वादा भी पूरा कर दिया। करोड़ों हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख जो आसपास के देशों से आए थे, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, उनको नागरिकता देने का काम कल नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया। अमित शाह ने हैदराबाद में ये बातें कही, जहां से सांसद असदुद्दीन ओवैसी जो CAA को मुसलमान विरोधी बताते हैं, उन्होंने CAA लागू होने पर क्या कहा, उसे भी ध्यान से सुनिए। तो देश को समझा रहा हूं कि CAA को आप सिर्फ CAA से नहीं, CAA को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना जरूरी है। क्या अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहे थे कि ओवैसी जी NPR NRC भी आएगा? क्या अमित शाह कई TV इंटरव्यूज में नहीं कहा था कि NPR NRC आएगा जब CAB था, बाद में CAA हुआ, एक्ट हो गया, वो जब CAB बिल था, जब उनका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है। तो ये सब एक धुआं है। लेकिन खुद गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर साफ किया है कि CAA नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। इस देश के अल्पसंख्यक भाइयों को कहना चाहता हूं, माताओं को कहना चाहता हूं, CAA से किसी भी देश के नागरिक की नागरिकता जानी नहीं। CAA नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। ये ओवैसी भी झूठ बोल रहे हैं, खड़गे भी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी झूठ बोल रहे हैं कि इससे माइनॉरिटी की नागरिकता जाएगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि CAA के कानून के अंदर
किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान नहीं है, हमारे शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। CAA के लाभार्थी कौन है, किन्हें इस कानून से फायदा मिलेगा, उसे भी समझिए। CAA से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए लोगों को फायदा मिलेगा, लेकिन ध्यान देने की बात ये कि इन तीनों ही देशों से आए सिर्फ गैर मुसलमान यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को ही नागरिकता मिलेगी। ये वो लोग हैं जिन्हें धार्मिक प्रताड़ना की वजह से भारत में शरण लेनी पड़ी। CAA का फायदा उन्हीं प्रताड़ित और गैर मुसलमानों को मिलेगा जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए और कम से कम 5 साल से यहाँ रह रहे हों। दिसंबर 2019 में ही संसद से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद CAA कानून बन चुका है। तब ये कानून लागू नहीं हो पाया क्योंकि पहले इसके खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग समेत देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और फिर कोरोना महामारी फैल गई। चूंकि CAA 2019 में बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था, ऐसे में अब 2024 के चुनाव से ऐन पहले जो कहा सो किया के मंत्र को अपनाते हुए बीजेपी ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। CAA के तहत तीनों पड़ोसी देशों से आए किसी मुसलमान को नागरिकता नहीं मिल सकती। ऐसे में विपक्षी दल इसे मुसलमान विरोधी करार दे रहे हैं और इसे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस यानी NRC से भी जोड़ रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि NRC के जरिए लोगों से भारतीय नागरिकता छीनी जाएगी और फिर CAA के जरिए उन्हें फिर से नागरिकता दी जाएगी। इस प्रक्रिया में तब अपनी नागरिकता साबित नहीं करने वाले मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाएगा। बीजेपी नानान रकम कथा बोलबे, आपको कोई अधिकार नहीं जाएगा, सब रहेगा, वो झूठा है, वो झुमला है। कोनो डिटेंशन कैंप करते देबो ना, कोनो NRC करते देबो ना, कारो अधिकार काटते देबो ना, काउके वंचना करते देबो ना, काउके लांछना करते देबो ना। एर जन्य यदि आमार जीवनो जाए आमि जीवन दिते तैरी, बांग्लार मानुषेर अधिकार आमि किछुतेई काटते देबो ना। जबकि केंद्र सरकार विपक्ष के ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। बीजेपी के अनुसार CAA संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने की सबसे नई मिसाल है। हमने कहा था हम CAA को लागू करेंगे ताकि जो पड़ोसी देशों में, जहां अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इस तरह के पाकिस्तान जैसे देश हैं जहां पर हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, इन सबको क्रिश्चियन, ईसाई, इसको अगर माइनॉरिटी में है तो उनके ऊपर जो प्रताड़नाएं वहां पर होती हैं, उनका जो उत्पीड़न होता है, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता कहां जाए। तो भारत ने वो बड़ा दिल करके हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, ऐसी माइनॉरिटीज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो इन 7 लगते पड़ोसी मुल्कों में है, अगर उनको उत्पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो भारत में नागरिकता देने का कानून बनाया है। लेकिन विपक्षी दल CAA लागू करने के समय पर सवाल उठा रहे हैं, इसे लोकसभा चुनाव में फायदा उठाने का जरिया बता रहे हैं। बीजेपी मजहब का इस्तेमाल करना चाहती है आने वाले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, और बीजेपी का हमेशा अगर निशाना रहा है तो मुसलमान रहा है। CAA में भी अगर आप देखें तो चुन के सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया है। ये बीजेपी की कोई नई सियासत है नहीं, ये पहले से ही उनका रवैया रहा है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ क्योंकि अभी तक तो लग रहा था कि बीजेपी वाले 400 सीटों का दावा कर रहे थे। बीजेपी वाले ये कह रहे थे कि अब राम मंदिर के बाद वो हार ही नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उनको लग रहा है कि उनकी जो पोजीशन है वो कमजोर है। क्या सचमुच CAA चुनावी फायदे का हथियार है? किन राज्यों में इस कानून का सबसे ज्यादा असर होगा, आपको वो अंक गणित भी दिखाएंगे। अभी आप उन राज्य सरकारों के बारे में जानिए जो CAA की राह में रोड़े अटकाने के दावे कर रही है।
पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार, केरल की एलडीएफ सरकार और तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने अपने अपने राज्य में सीएए लागू नहीं करने का ऐलान किया। सीएए कानून आने के बाद कई सारे गैर बीजेपी शासित राज्यों में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान और कई अन्य राज्य भी शामिल हैं। लेकिन इनमें से कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पे काबिज हो चुकी है। ऐसे में वहां की राज्य सरकारों के रुख में सीएए को लेकर बदलाव आना लाजमी है। लेकिन असल सवाल तो ये कि क्या कोई राज्य सरकार सीएए को लागू करने में रुकावट डाल सकती है? इसे लेकर संविधान क्या कहता है? तो भारत के संविधान में संघ, राज्य और समवर्ती सूची है। राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के अधिकारों का जिक्र सातवीं अनुसूची में किया गया है। इसके तहत रक्षा, विदेश मामले, जनगणना और नागरिकता जैसे 100 मामले केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। इनमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। ऐसे में कोई राज्य सरकार कानूनी तौर पर इसे लागू करने से मना नहीं कर सकती। हालांकि राज्य कानून का विरोध करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने के साथ साथ इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी सीएए के खिलाफ सैकड़ों याचिकाएं लंबित हैं। एक बार फिर से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सीएए पर रोक लगाने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सीएए के विरोध में दिल्ली से केरल तक विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लेकिन सीएए लागू होने से इसके लाभार्थी कितने खुश हैं, उसे भी देख लीजिए। नागरिकता मिली, हम तो बहुत खुश हुए। मोदी जी को धन्यवाद, हम बहुत खुश हुए। बहुत खुश है दोस्त, बस इतना ही हमारा कहना, बस हमको बहुत खुश है और मोदी सरकार का धन्यवाद बार बार हम करते हैं, अमित शाह जी का और मोदी जी का, जिन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया। मुंबई में भी पाकिस्तान से आकर शरणार्थी की जिंदगी गुजार रहे हिंदू सीएए लागू होने पर जश्न में डूबे। बहुत बदलाव आएगा, हमारे लिए नहीं, हमारे फैमिली के लिए, जो आगे के लोग हैं वहाँ, आधे कितने हिंदू लोग हैं वहाँ के लिए बहुत अच्छा होगा अगर हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें भी ये पता चलेगा कि यहाँ बहुत अच्छा फ्यूचर है। मोदी सरकार का बहुत आभारी है, हमारे माँ बाप सब ये है, मोदी आया है जब ही अच्छा हुआ है, हमारे को नागरिकता मिल जावे और हमारे को बच्चों को नौकरी मिले, हमारा मोदी सरकार इतना ख्याल करे, इससे और क्या बोलूं बेटा, इसको मैं कुछ और नहीं बोल सकती है। मोदी सरकार को इतना कर रहा है, हमारे को नागरिकता मिले, हमारे बच्चों को सुख मिले, हम दुख देखा अभी बच्चे सुखी रहे। अब जरा पाकिस्तान में हिंदू होने की सजा भुगत चुके और अब जयपुर में रह रहे इन शरणार्थियों को भी सुनिए। भाई साहब, ये चीज आप खुशी का इजहार हम कैसे करें, हम तो भारत सरकार की जय जयकार बुलाएंगे, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का हम तय दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे को ये खुशी का पल दिया है। नागरिकता मिलने के बाद हर वो सुविधा मिलेगी जो गवर्नमेंट ने पूरे आम नागरिकता जो नागरिक है उनको मिलेगी, तो हमारे को भी वही सुविधा मिलेगी। तो हम भारत में आकर हमको बहुत खुशी हुई है और ये भारत सरकार ने, बीजेपी सरकार ने जो सीए कानून पास किया है, इससे हमारे बच्चों में परिवर्तन आएगा हमारे। लेकिन दिल्ली के जिस शाहीन बाग में सीएए कानून पास होने के विरोध में दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक धरना प्रदर्शन हुआ, वहां की महिलाएं इस कानून के लागू होने पर क्या कह रही हैं, उसे सुनना भी जरूरी है। सीए जरूरी ही नहीं है, वो किसको नागरिक बना रहे हैं पता तो चलना चाहिए, वो कहां से आए, वहां से क्या करने के आए हैं। ये थोड़ा सा गलत इसलिए कि इतना पॉपुलेटेड ऑलरेडी है ये कंट्री, और ना जॉब है ना सही से एजुकेशन है, और लोग बाहर से आएंगे तो और ज्यादा वर्स हो जाएगी कंडीशन। कुछ ऐसी ही बातें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कर रही हैं। ऐसे में सवाल ये कि इस विरोध की वजह क्या है? तो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए मथुआ और राजवंशी समुदाय के लोगों को सीएए से सबसे ज्यादा फायदा होगा। पश्चिम बंगाल में मथुआ समुदाय के बड़े नेता शांतनु ठाकुर बनगांव से बीजेपी सांसद और केंद्र में मंत्री, तो राजवंशी समुदाय के बड़े नेता निशीत प्रमाणिक कूच बिहार से बीजेपी सांसद और केंद्र में मंत्री हैं।
पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए हिंदुओं को नागरिकता मिलने से सीधे तौर पर बीजेपी को फायदे की उम्मीद है। यही वजह है कि टीएमसी सीएए के खिलाफ कड़े तेवर दिखा रही है। हालांकि बांग्लादेश से आए जिन प्रताड़ित हिंदुओं को अभी नागरिकता मिल जाएगी वो 2024 में वोट नहीं डाल पाएंगे, लेकिन इससे अगर वोट का ध्रुवीकरण हुआ तो किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। पश्चिम बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें जीतकर विरोधियों को चौंका दिया था। ऐसे में अब की बार अगर सीएए के नाम पर वोट का ध्रुवीकरण हुआ तो जाहिर है बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। 2024 में क्या हो सकता है इसे समझना है तो आपको पश्चिम बंगाल में धर्म के आधार पर वोटिंग पैटर्न देखना होगा। पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव में 12% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया तो 43% हिंदुओं ने टीएमसी को। इस विधानसभा चुनाव में 6% मुसलमानों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया तो 51% ने टीएमसी के पक्ष में। 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के 57% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया तो 32% हिंदुओं ने टीएमसी को। इस लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के 4% मुसलमानों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया तो 70% ने टीएमसी के पक्ष में। 2021 के विधानसभा चुनाव में 50% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया तो 39% ने टीएमसी को। इस विधानसभा चुनाव में 7% मुसलमानों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया तो 75% ने टीएमसी के पक्ष में। बीजेपी ने इस बार अकेले 370 और एनडीए के लिए 400 से ज्यादा लोकसभा सीटों का लक्ष्य तय किया है, जिसे हासिल करने में पश्चिम बंगाल बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस सूबे में संदेश खाली के बाद अब सीएए भी मतदान का अंक गणित बदल सकता है। ऐसा नहीं है कि ममता दीदी ने आज पहली बार यह कही है, हमारा स्टैंड डे वन से एक ही है। हम बीजेपी जैसा जुमला नहीं करता है। भारतीय जुमला पार्टी जिस तरीके से पिछले 5 साल से सीएए को लेकर जुमलाबाजी कर रहा है और अभी चुनाव का पहले फिर पब्लिसिटी मास्टर पब्लिसिटी करने के लिए ऐसे कर रहा है, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो यहाँ पर उनका वोटिंग एक्सरसाइज करते हुए राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट को चुनते हैं और हर कॉन्स्टिट्यूशनल फैसिलिटी एंजॉय करता है, वो ऑलरेडी यहाँ का सिटीजन है। सीएए के खिलाफ असम में भी विरोध हो रहा है क्योंकि पूर्व उत्तर के इस राज्य में हिंदू मुसलमान से बड़ा मुद्दा बंगाली बोलने वाले लोगों का है, जिन्हें असम के मूल लोग असमिया पहचान के खिलाफ मानते हैं। ऐसे हालात में असम की बीजेपी सरकार के मुखिया हिमंता बिस्वा सरमा ने लोगों से अमन चैन कायम रखने की अपील की। हालांकि असम समेत देश के कई अन्य राज्यों और उनके खास हिस्सों में सीएए लागू नहीं होगा। जो इलाके संविधान की 6ठी अनुसूची के दायरे में आते हैं वहां सीएए लागू नहीं होगा। ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति बहुल स्वात इलाके हैं। इसके साथ ही उन इलाकों में भी सीएए लागू नहीं होगा जहां इनर लाइन परमिट यानी आईएलपी लागू है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, लक्षद्वीप और हिमाचल प्रदेश में इनर लाइन परमिट लागू है।